हमने बैटरी डाल तो हमारा जनरल जो एलसी सर्किट था दैट इज ऑफ दिस शेप. मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है. इसके क्रॉस हमने एक इंडक्टर लगा दिया. कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव. सो की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर में इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड, अगर इनिशियली इस पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है तो दिस चार्ज बिगेंस टू डिक्रीज. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी. क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी वो एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो बढ़ती जाएगी. मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड का आपको एक होमवर्क में चीज दी थी करने के लिए, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला किया किसी ने ड्राइव? बी स्क्वायर बाय टू नॉट. यस सर, सिर्फ एल की वैल्यू डाल दी थी. एल की वैल्यू डाल के आना था. सो एल की वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा. सो बट बेसिकली यहाँ पे अभी हम एनर्जी से डील कर रहे हैं कि इनिशियली एनर्जी स्टोर जो है वो क्यू नॉट स्क्वायर टू सी है और इसको हम इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं और इनिशियली जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो जीरो है. अब जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इस पर एनर्जी कम हो जाएगी और इसमें बढ़नी शुरू हो जाएगी. जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जीरो, ये t इज इक्वल्स टू जीरो की स्टेज है. दिस इज t इज इक्वल्स टू, बिकॉज हम ऑसिलेशन कह रहे हैं तो वन साइकिल पूरा चलाना है. तो t इज इक्वल टू t बाय फोर पे ये फुली डिस्चार्ज हो गया और इसमें सारी एनर्जी स्टोर होगी. इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद करंट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जीरो हो गया तो करंट शुड डिके, बट इट शुड नॉट डिके इंस्टेंटली बिकॉज इंडक्टर अपोजेस डिके ऑफ करंट. इंडक्टर में धीरे धीरे करंट कम होनी शुरू हो जाएगी एंड बाय द टाइम यू रीच टी इज इक्वल्स टू टी बाय टू कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा और इसमें करंट जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. कि अब लोअर प्लेट पॉजिटिव अपर प्लेट नेगेटिव, 3t बाय 4 पे क्या होगा? अगेन सेम, एंड एट t इज इक्वल्स टू t द साइकिल इज कंप्लीटेड. दोबारा से अपर प्लेट पॉजिटिव एंड ये जीरो, तो इसको हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं. दिस इज एनालॉगस टू जैसे आपने स्प्रिंग का बड़ा, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसमें एनर्जी स्टोर कितनी है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. आपने उसको पूरा स्ट्रेच किया तो उसमें इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है. जब आपने रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक जब वो मेन पोजीशन पे, अगर मैं करेस्पॉन्डिंग जैसे वैल्यूज लिखने शुरू करूं ऐसे ही, मतलब उसमें बनाऊं, तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और ब्लॉक रेस्ट पे काइनेटिक जीरो है. टी बाय फोर पे क्या हो जाएगा जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा? ये जीरो और ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. टी बाय टू पे पहले ये स्ट्रेच था, अब ये कंप्रेस्ड हो जाएगा बाय एक्स नॉट. यस, और दूसरे एक्सट्रीम पे फिर से जाके जीरो काइनेटिक एनर्जी. एंड अगेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गया एंड वापस आया. सो बेसिकली इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है. यहाँ पे जो कन्वर्जन है दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी. बट अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट शुड बी कॉन्स्टेंट. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा?
एट एनी इंस्टेंट, नॉट टी बाय टू टी बाय फोर पे, एट एनी इंस्टेंट अगर मैंने एनर्जी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ना तो चार्ज मैक्सिमम है और ना ही करंट मैक्सिमम है. And this should always be constant अगर energy losses नहीं है तो. ये SHM की equation बन रही है. अगर मैं इसको differentiate कर दूं with respect to time, Q square by 2C की differentiation क्या होगी? एंड हाफ एल आई स्क्वायर की एंड दिस शुड बी जीरो. ये कैंसल. डी आई बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं. ठीक है ये स्टेप. यस. एसएचएम की इक्वेशन क्या थी आपकी? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर से करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. वहां पे डिस्प्लेसमेंट की ऑसिलेशन थी, इसमें चार्ज की है. चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो ओमेगा कितना आ जाएगा अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो? ओमेगा सिर्फ फर्क ये है उसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा था. अच्छा इसमें अगर मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए कहूँ, मान लो मैं आपसे बोलूं चार्ज की वेरिएशन बताओ विद टाइम तो कैसी होगी? टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम. T is equal to T by 4 पे जीरो. T by 2 पे मैक्सिमम. माइनस Q हो जाएगा. तो इसकी वेरिएशन कैसे प्लॉट होगी? साइन का ग्राफ बनाऊं कॉस का? कॉस. यही बनेगा. अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और टाइम का ग्राफ बनाओ तो? कॉस. कॉस नहीं ना, स्क्वायर होती है एनर्जी तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती. एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना. क्यू स्क्वायर बाय टू सी. चार्ज नेगेटिव है तो भी एनर्जी तो पॉजिटिव ही आएगी. कॉस स्क्वायर. तो वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा. एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहनी है हमेशा. कि जब ये नेगेटिव है तो भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता करंट का, करंट इन इंडक्टर और टाइम का ग्राफ बनाओ. अगर मैंने चार्ज का ग्राफ बनाया है कॉज का, करंट क्या हो जाएगी? डी क्यू बाई डी टी. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? cos omega t की डिफरेंशिएशन माइनस इनटू ओमेगा. तो ग्राफ कौन सा बनाऊं अब? माइनस साइन. अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ. मैग्नीट्यूड ऑफ साइन. इसके ऑपोजिट बन जाएगा. और इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा. एसएचएम में यही किया था आपने. टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया था. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. और उनका सम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वो कांस्टेंट है. So, इसमें भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है.
ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिनिमम है तो मैग्नेटिक मैक्सिमम है, जब इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक जीरो है। सो आप टाइम के साथ प्लॉट करना चाहो तो इसको आप कह सकते हो टी बाय फोर, दिस इज टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर एंड सो ऑन, ऐसे प्लॉट कर सकते हो। समझ में आए? ऑसिलेशंस देखो, समझ में आ रही है व्हाई चार्ज इज ऑसिलेटिंग। मैंने एक बार ये अगर इसको फुली चार्ज करके मैंने की को क्लोज किया, व्हाई इट डिस्चार्जेस एंड व्हाई इट डज नॉट डिस्चार्ज इंस्टेंटली। डिस्चार्ज क्यों हो रहा है और इंस्टेंटली क्यों नहीं हो रहा? सब पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्चार्ज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इंस्टेंटली नहीं हो रहा बिकॉज इंडक्टर की वजह से वो अपोज, इंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बिकॉज फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो अपोज कर रहा है। तो इसमें आपको डायग्राम्स सारे बनाने पड़ते हैं, मतलब ये तो मैंने एक से बनाया और नीचे से वैल्यूज लिख दी। यू हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स हर स्टेज के लिए। टी इज इक्वल टू टी बाय फोर, बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। तो मैं आपको बुक का डायग्राम दे देता हूँ, वही ड्रॉ कर लो, उसी को ही एक्सप्लेन कर देंगे हम सारे को। एक बार इसको डायग्राम को भी देख लो, मैं समझा देता हूँ। इस ऑर्डर में डायग्राम बना हुआ है, मतलब ऐसे चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज। तो देखो वाइट की वजह से ब्राइटनेस बोलते, ब्राइटनेस कम करूं। लेट मी सी कुछ हो सकता है तो। दिखा थोड़ा सा दिख गया सर, लेकिन बन नहीं पाएगा जैसे क्लियरली नहीं दिख रहा हूँ। सर पॉडकास्ट कर ब्रॉडकास्ट में शायद दिख जाएगा, रुको मैं करता हूँ। इट मे बिकम विजिबल। नंबर नोट कर लो ये। displaynote.com/broadcast और ब्रॉडकास्ट आईडी 812497, ये तो सेव ही कर लो ना कहीं पे, बिकॉज ना फिर ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए होगी। बस कर ली नोट 812497। सर आप दिखा दो एक बार, सर एक बार प्लीज दिखा दो, मैं कर नहीं पा रहा। 812497 सर, इमेज थोड़ी बड़ी कर दो प्लीज। यस सर, सर क्लियर दिख रहा है। सर अब तो बोर्ड पे भी क्लियर दिख रहा है।
सर इसकी हेडिंग क्या बोली थी आपने? एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। ऐसी पहले एक बार समझ लो, मतलब डायग्राम में बनाया गया है। ए से शुरू करो जहां मतलब फर्स्ट फिगर है जो ए लिखा हुआ है। इसमें हमने शो किया हुआ है कि कैपेसिटर पहले फुली चार्ज्ड है, करंट सर्किट में जीरो है, मतलब अभी हमने सिर्फ स्विच किया। जो साथ में बार चार्ट बनाया हुआ है दैट शोज कि यूई मतलब अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है और यू भी जीरो है। फिर उसके बाद बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज दिखा दी जब करंट फ्लो करनी शुरू हो गई। करंट फ्लो करनी शुरू हो गई तो इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड है यू बी और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है यू ई। फिर जो सी पार्ट है, सी डायग्राम अगर हम देखें ए बी सी, सी पार्ट में देख लो, सी पार्ट में सारी एनर्जी मैग्नेटिक में स्टोर है और सॉरी एरो उल्टा बनाया मैंने, ऐसे है ये। सी पार्ट में हमने शो किया हुआ है कि सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। दिस इज टी इज इक्वल टू टी बाय 4 स्टेज, देयर ओनली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट स्टेज दिखा दी डी पार्ट, जब थोड़ी सी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है, थोड़ी सी इंडक्टर में। ई पार्ट इज आफ्टर टी बाय 2। ई पार्ट में हमने शो किया है कि सिर्फ कैपेसिटर चार्ज है, बट अगर हम ए को और ई पार्ट को कंपेयर करें, मतलब जो ऑपोजिट शो किए हुए हैं, ए पार्ट में कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है। ई पार्ट में लोअर पॉजिटिव है और अपर नेगेटिव है। क्लियर है ये? यस सर। सारे डायग्राम बनाने कॉपी में? हाँ, ये पेपर में भी सारे बनाने पड़ते हैं। आप बीच में इंटरमीडिएट वाले छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो, मतलब बी को, डी को, एफ को और एच को छोड़ सकते हो, चार तो फिर भी बनाने पड़ेंगे। ये बोर्ड का ही आर्टिकल है, कंपटीशन में तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही चाहिए होता है 1/√LC। कंपटीशन में तो उसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं होता है इसमें से। तो जहाँ पे इंटायरली इलेक्ट्रिकल, इंटायरली मैग्नेटिक, इंटायरली इलेक्ट्रिकल, मतलब ये चार डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ए सी ई एंड जी। से बार ग्राफ्स भी बनाने हैं?
सो यू कैन राइट लिखें सर दो मिनट पहले सिर्फ कैपेसिटी एक बार पहले वाले कैपेसिटी का एरोस था देखो कहां से कहां तक जा रहे हैं किसके का एरोस कौन से एरोस के ए पार्ट वाले के पॉजिटिव नेगेटिव ही जा रहे हैं ना अब करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करेगी ना ए पार्ट में तो हमने कुछ शो ही नहीं किया मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक जो एरो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में बने हुए हैं ना कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो एरो है दे आर सिग्निफाइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट ही होगा दो एरो एक करंट का एरो है करंट भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगी और जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एरो ड्रॉ किए हैं अब मतलब डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखो मतलब जैसे आप ए को और बी डायग्राम को ही देखो ए में मैंने फील्ड लाइंस ज्यादा शो किए हैं और बी डायग्राम में मैंने फील्ड लाइंस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कम शो किए हैं विच सिग्निफाइज कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी बी पार्ट में और जब सी पार्ट में मैंने सिर्फ मैग्नेटिक शो किया तो कैपेसिटर तो फुली डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के बीच में मैंने कोई फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं की हुई पर मैंने मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस बढ़ा दी अगर हम बी और सी को कंपेयर करें बी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है सी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीन ड्रॉ की हुई है सी में बिल्कुल खत्म कर दी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया फिर जब आपने अगला डायग्राम बनाना है तो मतलब एरोज बदलने हैं जैसे आप सी और ई को कंपेयर करो सी और जी को कंपेयर करो तो दोनों में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली हुई है सी और जी में तो इन चीजों का ध्यान रखना डायग्राम बनाते हुए कि ऐसे नहीं है कि सारे कैपेसिटर में इक्वल फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे इक्वल फील्ड लाइंस तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ रहा है किसी को इसमें पूछना डायग्राम में तो पूछ लो मैं से अभी बिकॉज हर कंसेप्ट का इस डायग्राम में ध्यान रखा हुआ इसीलिए मैंने मतलब हैंड रिटन डायग्राम नहीं दिया ताकि आपको क्लैरिटी दे और जब इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो ये फाइल वैसे ही आपके पास पूरी आ भी जाएगी इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास ये डायग्राम एक बार दोबारा से देखना हो तो ठीक से देख सकते हो कि फील्ड लाइंस और एरोस कैसे ड्रॉ किए हुए हैं करेंगे क्या आगे हाँ जी न्यूमेरिकल की क्या चीज न्यूमेरिकल की ऑप्शन मिलती है ऐसे क्वेश्चंस में मतलब इसकी जगह अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहो तो यस सर मिलती है ये 5 मार्क्स में आता है 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चंस में चॉइस होती है आप थ्योरी का करना चाहते हो या न्यूमेरिकल करना चाहते हो बट कई बार ये होता है कि जैसे ये पूरा 5 मार्क्स का है जो इसके साथ चॉइस में है वो 3 पार्ट्स हैं उसमें से हो सकता है 2 न्यूमेरिकल हो एक थ्योरी का भी हो तो इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ स्टेट्स में तो 1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं 10th 12th के लिए आपका पता नहीं अभी क्या सीन बनेगा तेलंगाना मध्य प्रदेश राजस्थान ये 1 जुलाई से 11th एंड 12th के लिए स्कूल खुल रहे हैं सिर्फ कॉलेजेस खुल रहे हैं और 11th 12th क्लासेस खुल रही हैं सो यू कैन राइट एलसी oscillation LC oscillator consists of LC oscillator consists of a capacitor and inductor मैंने इसके printed notes भी दिए हैं पर मैं थोड़ा short में लिखा दूंगा because वो जो printed notes आ रहे हैं वो समझने के लिए ठीक हैं कि आप उसमें से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये exam के लिए लिखा रहा हूँ exam में उतना बड़ा लिखोगे तो paper ही खत्म नहीं होगा LC oscillator consists of inductor and capacitor connected in parallel as shown in figure. अब मैं एक एक करके सारी फिगर्स एक्सप्लेन करूं या चार को करूं ये बताओ 8 फिगर्स हैं इसमें चार को करूं मतलब लिखने से डरते हो चलो लिखो इन फिगर ए In figure A, it is shown that capacitor has been fully charged. Capacitor
has been fully charged with upper plate positive and lower plate negative. And no current flows through the inductor. No current flows through the inductor. Thus, energy stored is. Thus, energy stored is entirely electrical and magnetic energy is zero. Thus, energy stored is entirely electrical and magnetic energy is zero. And magnetic energy is zero. Magnetic energy is zero. But if the circuit is closed, capacitor begins to discharge, charge on the plates of capacitor, and thus charge on the plates of capacitor and thus electric field between the plates of capacitor decreases. As the current begins to flow, some of the electrical energy gets converted into magnetic energy. Next paragraph mein likho. At t is equals to t by 4, figure C. At t is equals to t by 4 and capital T by 4. T is equals to T by 4 and figure C. The capacitor has been fully discharged. Sir, if you want to repeat, convert to magnetic energy. Where did you write? Electrical energy convert to magnetic energy. Some of the electrical energy gets converted into magnetic energy. Next, likho. And at T is equals to T by 4, figure C. The capacitor is fully discharged. Electric field between the plates of capacitor reduces to zero. And whole of the initial electrical energy is converted into magnetic. And potential difference across capacitor plates becomes zero. Even though potential difference is not there.
करंट विल नॉट डिके इंस्टेंटली इवन दो पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट देयर करंट विल नॉट डिके इंस्टेंटली एज इंडक्टर अपोजेस the decay of current because inductor opposes the decay of current As the current slowly decreases, capacitor starts getting charged in opposite direction. Capacitor starts getting charged in opposite direction with lower plate positive and upper plate negative. With lower plate positive and upper plate negative. And energy is partly electric and partly magnetic. And energy is partly electric and partly magnetic. नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एट टी इज इक्वल्स टू टी बाई टू एट टी इज इक्वल्स टू टी बाई टू फिगर ई द करंट हैज रिड्यूस्ड टू जीरो इन दिस मैग्नेटिक एनर्जी इज जीरो करंट हैज रिड्यूस्ड टू जीरो दिस मैग्नेटिक एनर्जी इज जीरो And the capacitor is fully charged with lower plate positive and upper plate negative. The energy stored is entirely electrical. The energy stored is entirely electrical. The same process is repeated. The same process is repeated. And at T is equal to 3T by 4. Capacitor is fully discharged. Electrical energy is zero. And magnetic energy is maximum. And in one complete cycle, T is equals to T, the system returns to the system. And in time t is equals to t, the system returns to its initial state. Next paragraph, if there is no loss of energy, if there is no loss of energy, जो हमेशा होगी मतलब assumption है ये तो. If there is no loss of energy, the energy keeps oscillating between electrical and magnetic. Energy keeps oscillating between electrical and magnetic
और देर आर ऑसिलेशंस ऑफ और देर आर ऑसिलेशंस ऑफ charge on the plates of capacitor and current which flows through the inductor. Charge on the plates of capacitor and the current which flows through inductor. अगर मैं बोलूँ charge is oscillating with frequency omega, energy is oscillating with frequency omega, omega by 2 या 2 omega? 2 omega. कितनी? 2 omega. 2 omega because? So, जैसे एक बार जब चार्ज की पूरी साइकिल होती है, उसकी दो साइकिल हो रही हैं. Because energy repeats its value twice in one cycle. Same SHM में भी यही कंसेप्ट था कि अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा थी. तो इसमें भी ऐसे ही है. क्या करंट और चार्ज की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी की 2 ओमेगा. सो इसको लिख लो. इफ चार्ज एंड करंट ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इफ चार्ज एंड करंट ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी oscillates with frequency electrical and magnetic energy oscillates with frequency 2 omega. As initially charge on the plates of capacitor is maximum. Therefore, if Q naught is maximum charge, if Q naught is maximum charge, instantaneous charges Q is equals to Q naught cos omega t. Instantaneous charges Q is equal to Q naught cos omega t. Therefore, current I is equals to dQ by dt or minus I naught sin omega t. I is equals to dq by dt or minus I naught sin omega t. इनके graphs भी बनाने पड़ेंगे. ये सर एक बार बोलो सर, instantaneous charge के बाद repeat कर दो आपने क्या बोला था. Instantaneous charges q is equals to q naught cos omega t and instantaneous current is minus I naught sin omega t. So a graph, this shows variation of charge with time and this is current with time. Or ye electrical energy or magnetic energy. ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी, मेंस एंड नीट दोनों में ये ग्राफ पूछे हुए उन्होंने एंड मल्टीपल टाइम्स.
बन गए ग्राफ। लिखें इसके आगे नेक्स्ट रेडियस के आगे लिखो फिर मैं तो बन गए डायग्राम सबके। सर एक सेकंड ठीक है सर। सेकंड मैथमेटिकली एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट दैट इज differentiating with respect to time dq by dt is i, so इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। क्वेश्चन आएगा तो सारा का सारा करके आना पड़ेगा पेपर में यहाँ पे। हाँ जी सिर्फ ये वाला पार्ट मैं मैथमेटिकल करता हूँ, ये कई बार टू मार्क्स में भी आ जाता है।
बोर्ड ने इस साल नया पैटर्न कहा था, पर इस साल तो पेपर नहीं हुए, तो मे बी अब अगले साल आपका पता नहीं अभी वैसे क्या बनेगा। नया पैटर्न आया तो हो सकता है ना आए इतने बड़े क्वेश्चन, बिकॉज उसमें फिर एमसीक्यूज ज्यादा आने हैं। इसके आगे लिख लो या नोट में लिखो इसके आगे। In this we assume that there are no energy losses and oscillations will be undamped oscillations. But in electrical circuits, energy loss do take place. Semiconductors are used. Along with LC oscillator. To produce undamped oscillations. अब ये semiconductor use कैसे करेंगे? वो semiconductor के chapter में जाके आना है, because transistor is an oscillator में. So हम ये करते हैं कि जितना loss of energy होता है, उसको compensate करते रहते हैं using semiconductor, so that oscillations are undamped oscillations. Second point लिख लो, LC oscillator is analogous to oscillations of a spring. In place of potential energy stored in a stretched spring, we have electrical energy stored in capacitor. Potential energy gets converted to kinetic
in spring system, potential energy gets converted to kinetic and in LC circuit, oscillations are set up between electrical and magnetic energy. Oscillations are set up between electrical and magnetic energy. So, आप एनालॉगस स्प्रिंग के साथ कंपेयर करके इसको शो कर सकते हो कि स्प्रिंग में एनर्जी ऑसिलेट करती है एंड कि पहले पोटेंशियल थी, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गई, फिर काइनेटिक दोबारा पोटेंशियल में चेंज हो गई. तो इसमें ऑसिलेशंस डिफरेंट है बट इसमें भी कंसेप्ट सेम ही है, इसीलिए हमने उसी मैथड से इसको भी ड्राइव किया. तो अगर मैं डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो सी इफ इट्स पॉसिबल. ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी. तो इसमें देखो, फर्स्ट डायग्राम में देखो, फर्स्ट में जहाँ हमने शो किया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है, अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग शो किया हुआ है, स्प्रिंग को स्ट्रेच शो किया हुआ है कि इसमें वेलोसिटी जीरो है. वेलोसिटी जीरो है मतलब जो एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल है. सेकेंड डायग्राम जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, मैग्नेटिक आ गई, तो यहाँ पे स्प्रिंग जो था ये मैक्सिमम स्ट्रेच स्टेट से मीन पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम हो गई. तो इधर हमने शो किया है कि ऊपर फर्स्ट डायग्राम में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सेकेंड डायग्राम तक जाते जाते मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो गई. स्प्रिंग सिस्टम को देखिए तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गई. फिर उसके बाद जब स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच होगा थर्ड डायग्राम में, तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा पोटेंशियल में चेंज हो गई. इधर हमने शो कर दिया कि इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया, कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज हो गया. इधर था कि स्ट्रेच से कंप्रेस हो गया, इधर पहले कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव थी, सी डायग्राम में लोअर प्लेट पॉजिटिव है. तो अब इसको हम इसलिए एनालॉगस ऐसे लेते हैं. ये नोट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, मतलब स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी है और एक को लिंक भी दिया था वहां पे भी है, बिकॉज अगर प्रिंट निकालना है तो लिंक से निकाल लेना. बस कुछ लोग वो स्क्रीनशॉट लेके निकालते हैं, उसमें भी ठीक से आता नहीं है, इसलिए इसका मैंने लिंक दे दिया था वेबसाइट का जहाँ से आप ये प्रिंट निकाल सकते हो सीधा. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको आगे एलसी ऑसिलेशंस को ही, सॉरी एलसीआर सर्किट को, कि एसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने तीनों कर लिया. एलसी सीरीज में नहीं करना होता, हमने सीरीज में किया आरएल सर्किट और आरसी सर्किट. सिर्फ फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड का सिलेबस नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन में आता है क्वेश्चन उन पे, तो सिर्फ उनके रिजल्ट याद रखने हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्रोथ एंड डिके के. एलसी ऑसिलेटर बोर्ड का है बट ये सिर्फ पैरेलल में हमारे सिलेबस में है कि पैरेलल एलसी सर्किट. सो कल जो हम करेंगे दैट इज सीरीज, की एलसीआर तीनों को सीरीज में लगाया तो क्या होगा, तो उसमें इम्पिडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी एंड फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा. सो कल करेंगे आर्टिकल्स. क्या चीज एलसीआर हमने कब किया? हमने तीनों तो सीरीज में लगा के नहीं किया. आपने सिर्फ समझाया था. हाँ, उसमें तो बहुत सारे आर्टिकल है, हमें बैंडविड्थ निकालनी है, क्यू फैक्टर निकालना है, पावर इन एन एलसीआर सर्किट निकालनी है. ये सब नहीं किया. हाँ तो बहुत बड़ा आर्टिकल है वो, तो उसमें डेरिवेशन करनी है.
इम्पिडेंस निकालने की, फेस डिफरेंस निकालने की, फिर उसके फर्दर केसेस आते हैं, तीन केसेस करते हैं कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो लीड लैग, मतलब वो थोड़ा सा बताया था एक बार ही फेजर डायग्राम बना के, बट हमने लिखा वो कुछ भी नहीं था शायद। यस सर, नहीं लिखा।